Now, children, let's move on to the next chapter, which is chapter number 27. And the name of the chapter is What's an Item? So here, what does each highlighted item means? Take the picture that best matches its meaning. What is item? Let's see what's written here. An item is a common phrase that people use. Item एक तरीके का common phrase है जो लोग use किया करते हैं. Examples: Steve always gets up at 6. He is an early bird. तो Steve बहुत जल्दी उठ जाता है क्योंकि वो एक early bird है. तो आप कह सकते हो कि item एक तरीके से मुहावरों को कहा जाता है जो आप पढ़ते हैं हिंदी में. So एक तरीके की saying हो सकती है, आप ये कह सकते हैं. Let's come to the first question. It is raining cats and dogs. तो यहाँ पे जो first sentence है आप देख सकते हो cats and dogs को highlight किया हुआ है. तो आपको बताना है which picture suits the best. कौन सी जो picture है वो best suit कर रही है इस मुहावरे के लिए, इस item के लिए. So आप देख सकते हो first picture में two people are standing under an umbrella और बारिश हो रही है. एंड जो सेकेंड पिक्चर है उसमें एक बच्चा है वो अम्ब्रेला लेके खड़ा है और उसके ऊपर कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं. तो ये जो कहावत है कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कैट्स एंड डॉग की रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है. इसका मतलब होता है कि जो बारिश हो रही है वो बहुत ही तेज हो रही है. क्लियर? सो विच वन इज करेक्ट? दिस पिक्चर रिलेट्स विथ इट. Next, now let's move on to the second one. Sophia spilled the beans about the surprise party. तो यहाँ पे आप देख सकते हो spill the bean को जो highlight किया गया है. So यहाँ पे इसका meaning है कि Sophia spilled the bean. उसने अब spilled the bean का मतलब आप देख सकते हो एक picture में दो बच्चे जो आपस में secret कुछ बातें कर रहे हैं. Clear? और यहाँ पे एक गर्ल है जो उसने वो बातें जो है किसी और को बता दी. दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो एक बच्चा है जिसने एक बाउल पकड़ा, उसमें बहुत सारे बीन्स हैं और वो नीचे गिर रहे हैं. तो स्पिल द बीन का मतलब ये नहीं है कि सारे बीन्स नीचे गिर रहे हैं. स्पिल द बीन्स का मतलब है कि टेलिंग द सीक्रेट, अपने जो भी सीक्रेट उसे पता है वो अपने तक ना रख पाना और दूसरे पर्सन को बता देना. सो सोफिया स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी. तो सरप्राइज पार्टी हम लोगों ने प्लान की थी, सोफिया को सब कुछ पता था बट उसने सारी सरप्राइज को खत्म कर दिया सब कुछ बता के. सो विच पिक्चर इज करेक्ट? दिस पिक्चर इज करेक्ट. सिमिलरली इन द थर्ड वन, काइली एंड माया आर लाइक टू पर्ल्स इन अ पॉट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काइली और माया दो गर्ल्स हैं, वो ऐसे दिखती हैं जैसे कि दो पीज हैं. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. काइली एंड माया आर लाइक टू पीज इन अ पॉट. तो यहाँ पे कहावत कही गई है काइली और माया के लिए कि वो ऐसी लगती हैं कि जैसे कि टू पीज जो है एक पॉट में. पीज मीन्स मटर के दाने और पॉट मीन्स ये जो मटर का एक पार्ट होता है. सो ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसी हैं, एक जैसे सब चीजें बिहेव करती हैं, एक जैसे ड्रेस अप करती हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू विच पिक्चर इज करेक्ट? क्या पिक्चर ये पिक्चर करेक्ट है या जो सेकंड पिक्चर है जिसमें ये दोनों गर्ल्स एक जैसे दिख रही हैं, एक जैसे बैग, एक जैसे बाइसिकल, हेलमेट, हेयर स्टाइल, ड्रेस सब कुछ कर रखा है. सो अकॉर्डिंग टू यू विच पिक्चर इज करेक्ट? टेक इट. नाउ आई थिंक ही हैज जस्ट पुलिंग योर लेग when he said you have failed in the exam. So यहाँ पे कहा जा रहा है I think he was just pulling your leg. So pulling your leg को आप देख सकते हैं यहाँ पे underline किया गया है, highlight किया गया है and it means pulling your legs का means है किसी की टांग खींचना. अब सच में किसी की पैर पकड़ के नहीं खींचना होता है, इसका मतलब होता है कोई जो है for example यहाँ पे जैसे लिखा हुआ I think he has just He was just pulling your leg when he said you have failed in the examination. तो एक दोस्त ने दूसरे फ्रेंड से कहा कि वो तो एग्जाम में फेल हो गया, ये तो पास ही नहीं हो सकता. इसका मतलब ये क्या कर रहा है, उसकी टांग खींच रहा है.
परेशान करना, मजाक मजाक में परेशान करना. सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.